नमस्कार दोस्तों, मैं सहायक प्राध्यापक प्रशांत फिलिप गणपत पार्सेकर शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय के हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। मेरे आज के इस मॉड्यूल द्वितीय मॉड्यूल का विषय है स्वातंत्रोत्तर हिंदी कहानी का स्वरूप। स्वतंत्रता के पश्चात लिखी गई कहानियों को स्वातंत्रोत्तर हिंदी कहानी कहा जाता है। ये कहानियाँ स्वातंत्रोत्तर काल की हिंदी कहानी के विभिन्न रचनात्मक पक्षों और बदलावों की साक्षी रही है। वर्ष 1947 में देश को आज़ादी प्राप्त हुई, इसी के साथ हिंदी कहानी में नई अभिव्यक्तियाँ उभरी। हम जब स्वातंत्रोत्तर हिंदी कहानी की बात करते हैं तो हमें ये समझना भी पड़ता है कि उसका स्वरूप किस रूप में विभाजित किया गया है। तो हम इसे समझने के लिए स्वातंत्रोत्तर हिंदी कहानी के स्वरूप को हम चार भागों में विभाजित करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला है देश की आज़ादी के पूर्व की स्थिति में हिंदी कहानी का स्वरूप, आज़ादी प्राप्ति के कुछ देर तक हिंदी कहानियों का स्वरूप, 1950 के बाद के हिंदी कहानियों का स्वरूप, देश के विभिन्न परिस्थितियों से उत्पन्न आंदोलनों में हिंदी कहानी का स्वरूप। सर्वप्रथम है देश की आज़ादी के पूर्व की स्थिति और हिंदी कहानी का स्वरूप। क्योंकि हमारा देश जो था उस समय औपनिवेशिक शासन था, हमारे देश में ब्रिटिशों का राज था, और उस दरमियान भारतीय जनता की जो स्थिति थी वो बहुत ही गंभीर थी। उस समय कहानीकारों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपना आवाज उठाना शुरू किया। उन्होंने औपनिवेशिक गुलामी के विरुद्ध भारतीय स्वाधीनता संग्राम की एक पहल उन्होंने चलाई और इसे बहुत ही संजीदगी से इसे अपनी कहानियों में रेखांकित किया। इसमें आते हैं प्रेमचंद, उनका सोजी वतन, फिर आते हैं जयशंकर प्रसाद, उनका छोटा जादूगर। इन कहानीकारों ने अपने साहित्य में विदेशी शासन की नीतियों का चित्रण किया और उसके विरुद्ध आवाज उठाया, भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाई, जो देश के प्रति प्रेम लोगों के बीच देश के प्रति प्रेम की भावना को जगाना ये कहानीकारों ने अपना मुख्य उद्देश्य समझा। हम यहाँ पर देखते हैं प्रेमचंद के पूर्व यदि हम देखें तो वातावरण, घटना, कथानक, चरित्र, संवेदना सभी दृष्टियों से आदर्शात्मक रोमान के साथ साथ उपदेशात्मक कहानियाँ लिखी गई थी। और फिर प्रेमचंद कालीन में हम देखते हैं तो स्वाधीनता आंदोलन के संदर्भ में भारतीय अस्मिता की पहचान ये जो है प्रेमचंद जी की कहानियों में और प्रसाद जी की कहानियों में हम देख सकते थे, जो कि उनकी जयशंकर प्रसाद की ग्राम और शरणागत कहानी यहाँ पर हम देख सकते हैं। उसके बाद प्रेमचंदोत्तर कहानी तो सामाजिक यथार्थ और व्यक्तिधारा जो है यहाँ पर कहानियाँ लिखी जा रही थी। इनमें मुख्य रूप से थे अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल। इस तरह से हम देख सकते हैं कि आज़ादी के पूर्व की जो हिंदी कहानी का जो स्वरूप था वह इस रूप में हम देख सकते हैं। फिर है आज़ादी प्राप्ति के कुछ देर तक हिंदी कहानियों का स्वरूप। हम देखते हैं भारत को जो है 1947 यानी 1947 में भारत को आज़ादी मिली, उसके बाद जो एक आज़ादी मिलने की जो खुशी जनता में होनी चाहिए थी वो खुशी कहीं ना कहीं जनता में नहीं थी। लोग अपने जो सपने लोगों ने बुने थे, जो सपने लोगों ने देखे थे वो कहीं ना कहीं टूटते दिखाई दे रहे थे। वहाँ उस समय जन जागृति के स्वर कहानीकारों लोगों के बीच एक जन जागृति के जो स्वर जो थे वो कहानीकार अपने कहानियों के द्वारा अभिव्यक्त कर रहे थे, रेखांकित कर रहे थे।
सामाजिक क्रांति की भावना संभावना भी हो रही थी, मतलब जो समाज, क्योंकि उस समय आज़ादी मिलने के बाद समाज फिर एक सामाजिक कुरीतियों से, सामाजिक बुराइयों से फंसा हुआ था, बंधा था। पहले अंग्रेजी शासन से बंधा हुआ था, उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद सामाजिक जो बुराइयां है उसमें जो भारत है वो जकड़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं सामाजिक क्रांति की संभावना यहाँ पर इस आज़ादी प्राप्ति के कुछ देर तक यह दिखाई देता है। आज़ादी के बाद जमींदार, भूमिपति, व्यापारी आदि के द्वारा जनता का शोषण एवं दमन हो रहा था। तो जिन लोगों ने जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे आज़ादी के पूर्व, वो कहीं ना कहीं आज़ादी मिलने के बाद जो बड़े बड़े लोग हैं, जमींदार है, भूमिपति है, व्यापारी है, इन लोगों ने उसका फायदा उठाया और जनता का शोषण और दमन करने लगे। तो यह कहीं ना कहीं मोहभंग की त्रासदी थी। लोगों पूरी तरह से, जनता जो है टूट चुकी थी, जनता का जो विश्वास जो था वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। आज़ादी और विभाजन के बाद हुए सांप्रदायिक दंगे, इसका भी असर या फिर इसका भी जो प्रभाव है कहीं ना कहीं हिंदी कहानियों में दिखाई दे रहा था उस समय। और 1943 के बाद या फिर 1943 के बंगाल का जो युद्ध, बंगाल का जो प्रभाव था, जो अकाल का जो प्रभाव था, उसका भी यहाँ पर एक तरह से कहानीकारों के कहानियों में दिखाई दे रहा था, या और प्रेमचंद की विचारधारा का भी प्रभाव था। तो इस तरह से जो एक तरह से कहानी का जो स्वरूप है आज़ादी प्राप्ति की कुछ देर तक, वो इस रूप में हम देख सकते हैं। और वही आंचलिक कहानियों का यहाँ पर जो आज़ादी प्राप्ति की जो एक तरह से खुशी का माहौल कहीं ना कहीं हम आंचलिक कहानियों में देख सकते हैं, तो उसका खुशी का माहौल, वो उल्लास, वो आंचलिक कहानियों तक सीमित था। 1950 के बाद के हिंदी कहानियों का स्वरूप, तो उस समय परिवेशगत बदलाव हो रहे थे। स्वतंत्रता के बाद भारतीय गांवों में अनेक परिवर्तन, ग्रामीण विकास की योजनाएं तथा ग्रामीण व्यक्तियों के रहन सहन में आए बदलावों का चित्रण जो है यहाँ पर इन कहानीकारों ने किया है। व्यक्तिकता का दबाव, उस समय लोग खुद के विषय में, खुद के बारे में अपने विषय कहानी का विषय बना रहे थे। खुद जो अपने खुद का जो अपने खुद के बारे में खुद की भावनाओं को अभिव्यक्त करना, यह माध्यम वहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई देता था। और आधुनिक जीवन की विविध समस्याओं का चित्रण यहाँ पर, बहुत सारे ऐसे आधुनिक जीवन की बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं, उन समस्याओं का चित्रण जो है कहानीकारों ने अपनी कहानियों में रेखांकित किया था। नगरीय जीवन में व्यक्ति का अकेलापन और जो शहर में रहने वाले लोगों का जो अकेलापन है, उसका भी चित्रण जो है कहानीकारों ने अपनी कहानियों के द्वारा जो है अभिव्यक्त किया। शिक्षितों के बेरोजगारी की समस्या, जो पढ़ लिख कर जो बेरोजगार थे, जिनके पास नौकरी नहीं थी, वे नौकरी के लिए लड़ रहे थे, ऐसी समस्याओं का भी चित्रण जो है उस समय 1950 के बाद जो कहानियों का जो स्वरूप हम देख सकते हैं उनमें यह दिखाई देता है। देश के विभिन्न परिस्थितियों से उत्पन्न आंदोलन में हिंदी कहानियों का स्वरूप, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और उससे उत्पन्न विभिन्न आंदोलन, जो उस समय राजनीतिक और सामाजिक परिवेशों में जो एक अत्यधिक बदलाव हो रहा था, जिस तरह से राजनीतिक क्षेत्र में बदलाव आना, सामाजिक क्षेत्र में बदलाव आना, इसके कारण कहीं ना कहीं कुछ ऐसे आंदोलन उभर कर आए जो कहीं ना कहीं जो एक बदलता हुआ एक परिवेश था। देश में राजनीतिक उथल पुथल, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अकाल, भुखमरी, मूल्यहीनता की स्थितियों से प्रभावित साहित्यकार रहे हैं और
इसका जो स्वर है वह स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई देता है। देश की आज़ादी के बाद की जो कहानी विधा में स्वतंत्रता स्पष्टता से एक अलग स्वर दिखाई देता है और यहाँ पर जो एक परिवर्तन दिखाई देता है उसका प्रभाव हिंदी कहानी पर पड़ने लगा। इसके फलस्वरूप स्वतंत्रता के बाद हिंदी कहानी में विभिन्न कहानी आंदोलनों का उदय हुआ, जैसे जिसमें नई कहानी, अकहानी, सचेतन कहानी, सहज कहानी, समांतर कहानी, जनवादी कहानी तथा सक्रिय कहानी, यह इसमें आती है। यह है संदर्भ ग्रंथ। धन्यवाद।